हेलो नमस्ते प्रणाम भाई लोग, आज मेरा कार्यक्रम कदनपुर खुजिया है ना, कदनपुर खुजिया ग्राम सभा में बंदर मरा था, बंदर मर जाने के उपलक्ष्य में आज यहाँ बहुत विशाल भंडारा रखा गया है और उसी उपलक्ष्य में मेरा कार्यक्रम है। हमारे हारमोनियम मास्टर शिव दयाल बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और ये हमारे ढोलक वादक है, देख लीजिए ये एकदम बच्ची जैसे लगता है, बहुत मासूम लगता है ये। चाटी वाटी बांध रहा है बजाने के लिए। और ये हमारा नकारा मास्टर, ये भी बहुत मासूम आदमी है। नमस्कार करिए सभी भाइयों से और एक छोटा सा शेर बोल दीजिए। ठीक हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, नकारा पर संगत करते हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जो बंदर मर जाने पे और भंडारा किया जाए, लेकिन आज यहाँ कदनपुर ग्राम सभा में बंदर मर जाने के उपलक्ष्य में बहुत ही विशाल भंडारा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे सभी कलाकार साथी उपस्थित हैं। और देखिए हमारे काका जी चुप्पे से लख रहे हैं, देखिए वो गमछा बांधे, वो हाथ उठा रहे हैं, देखिए हाथ उठा रहे हैं ये। और हमारे एक भाई शायद भाई और वे हाथ हिला रहे हैं, कुर्मिक पुरवा के भी हैं, बहुत ही अच्छा कला अभी हमारे साथी हैं। दर्शक बंधु है, बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। और बहुत खुशी की बात है कि आज इस कदनपुर गांव की धरती जो है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बंदर के मर जाने पर लोग बंदर गांव में आते हैं तो डंडा लेकर के खेदते हैं, भगाते हैं। यहां पर बहुत विशाल कुटिया भी है बगल में और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। बड़े ही अच्छे प्रोग्राम के साथ कार्यक्रम समापन हो रहा है और इधर भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, इधर माताएं बहनें पूड़ी बेलने का काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तीन चार गांव सभा के आदमी इकट्ठा है यहाँ पर। हमारे भाई आटा गूंथ रहे थे, देखिए चले आए हैं, बड़े ही विजय कुमार जी बहुत ही अच्छे हैं। और ये आटा गूंथ रहे थे बेचारे, देखिए हाथ में आटा लगा हुआ है। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आज का।